बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे टैलेंटेड यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें नज़र आए जिन्होंने पोर्ट्रेट में बहुत ही कमाल के पेंटिंग्स बनाए हैं, और दूसरे भी बहुत सारे टॉपिक्स थे शायद, और उनको एक टॉपिक दिया गया था माय एवरीडे हीरोज, तो बहुतों ने बहुत से अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाए हैं। हमको जिस तरह लगता है आजकल जिस तरह बीजेपी का फितने फैलाने का जो कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल हट कर है, क्योंकि बहुत लोगों ने शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर और इन लोगों की भी तस्वीरें बनाई थी। तो मेरा ख्याल है कि चाहे सियासत अपने तरफ होती रहे, लेकिन आई एम श्योर कि अभी तक बच्चों के जहन में वो सब नहीं आया है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। हम भी संघर्ष के जानिब से पहले ड्राइंग कंपटीशन रखा करते थे और 1500-1600 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अभी हमने पहले बंद करके, अभी बहुत जल्द कार्निवल होने वाला है अगले मंथ में, सो प्लीज़ वेट फॉर इट। एंड मैं मर्जिया को और शानू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छा अंजाम दिया उनके इतने बड़े इवेंट को। एंड आई लुक फॉरवर्ड, हमेशा होते रहती है चीज़ें, मुझे पहली बार बुलाया गया है दो, सो आई होप मर्जिया विल कीप कॉलिंग मी। मैडम आई ऑलवेज कॉल यू, एनीवे आई एम जस्ट जोकिंग। सो बस और कुछ नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है, और जजिंग इज गोइंग टू बी वेरी टफ, तो शायद इनको प्राइजेस बढ़ाने पड़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। एंड आई वुड लाइक टू से संघर्ष एंड शानू पठान का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, तो संघर्ष ने इस साल नहीं रखा तो वो हमारे उस चीज को पूरा किया है, तो वो संघर्ष एंड वी आर सेम ओनली, वन ऑफ द सेम ओनली, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, रूता मैडम, शानू पठान, मर्जिया पठान, या सेम ओनली, सो वो रखे हम रखे सेम कॉन्सेप्ट, तो वो संघर्ष की तरफ से ही है इन शॉर्ट। देखिए टैलेंट नजर आने के लिए रखना पड़ रहा है ऐसे प्रोग्राम्स, ताकि टैलेंट नजर आ सके और थाने महाराष्ट्र इंडिया लेवल पे हमारे मुमरा के जो बच्चे हैं वो नाम रोशन कर सके आगे जाके इंशाल्लाह।